आई है। अब कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ऐसा करा रही है, इस पे आप कहते हैं? अब थोड़े दिन में ही कहेंगे बराक वहां भाजपा का सदस्य है। इन लोगों का अरे भाई बराक ने बोला सो बोला, कपिल सिब्बल क्यों बोल रहे? कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के है ना, तो उनको क्यों लगने लगा कि ये राहुल गांधी और परिवारवाद कांग्रेस को खत्म कर रहा है? आज उन्हीं के एलाई थे ना शिवानंद तिवारी, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये चुनाव में पिकनिक मना रहे थे? हम तो मना रहे थे, तो कभी मना रहा था। तो जब आपके एलाइज आपको मानने को तैयार नहीं है, और अब हमें पता है कि तेजस्वी का जो भी फ्यूचर नष्ट किया उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, अखिलेश का फ्यूचर नष्ट किया उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, लेकिन कुल मिला के बराक क्या बोलते हैं? बराक अपने अनुभवों के बाद इतने दिन के बाद एक किताब लिखे हैं, और किताब लिखना और अपने कोई अपने व्यक्ति का अंतिम समय में दिया हुआ स्टेटमेंट एक समान ही होता है। बुक में जीवन भर की सच्चाई लिखे हैं। हमको तो लगता है बराक ओबामा, असल में हमको दुख हुआ जब बराक ओबामा ने राहुल को ऐसा बोला, तो हमें दुख हुआ कि देश में तो जो बेइज्जती कराओता नहीं, विदेशों में बेइज्जती करावे लगने, एक तरह से हमने की बड़ा दिक्कत महसूस होता थे। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, कृपया देश की बेइज्जती न कराए। 10,000 बेड नए बनाए, एजेंसियों को तैनात किए, OITBP के डॉक्टर्स को लगाए, दिल्ली को बचाए। अब इसके बाद जबकि बचा लेनी चाहिए तो दिल्ली को, तो शराब की दुकान खोलने में बहुत इंटरेस्ट था अरविंद केजरीवाल का, वो साप्ताहिक बाजार खोले खोलो, लेकिन एक कोशिश नहीं किए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर के दिल्ली को बचाना होगा। अमित शाह जी एक बार फिर से गृह मंत्री जी पूरी मीटिंग किए हैं, लेकिन हमें जहां तक समझ में आया ना कि सबकी सजगता के साथ मेन इस समय वो छठ पूजा पे अटैक कर रहे अरविंद केजरीवाल। सोशल डिस्टेंसिंग में आजकल मंदिर भी खुला है, मस्जिद भी खुला है, गिरजाघर भी खुला है, साप्ताहिक बाजार भी खुला है, शराब की दुकान भी खुली है, लेकिन छठ नहीं खुलेगा, छठ का त्योहार बैन रहेगा दिल्ली में। ये कुछ उनकी साजिश है, थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और खासतौर से अभी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज है, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए। मेरी प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा छठ के लोग ही करते हैं, प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे।